दोस्तों आज का जो वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत जो हमारे जो इंडस्ट्री यानी जो परफ्यूम की इंडस्ट्री है, अगरबत्ती के धूपबत्ती इंडस्ट्री है, तो उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल जो होता है परफ्यूम, लगभग 90% अगर मैं कहूँ तो दोस्तों, अगर किसी के डिमांड में रहता है, हमेशा डिमांड में रहता है दोस्तों, रोज़ का परफ्यूम डिमांड में रहता है। तो बहुत से दोस्तों लोग क्या करते हैं कि भाई जो परफ्यूम तो बना लेते हैं, ठीक है, किसी तरह के कई तरह के फार्मूले दोस्तों, अगर हम रोज़ का परफ्यूम बनाने चाहते हैं तो लगभग उसके 10 से लेके 15 तरह के जो रोज़ हैं, ठीक है, वो बना करते हैं। तो अलग सबके अलग अलग परफ्यूम के जो फार्मूले होते हैं, वो सबके अलग अलग फार्मूलेशन होती है। पर दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है कि लोग परफ्यूम तो बना लेते हैं, पर जो रोज़ की जो स्मेल है, ठीक है, वो लॉन्ग लास्ट और फ्लोरल नहीं रहती है। तो वो दोस्तों उसमें क्या गलती करते हैं, वो कौन सा जो हिडन केमिकल और सीक्रेट केमिकल डालते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो केमिकल है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑल वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के हॉल्पफुल कॉन्टेंट मैं इस चैनल पर हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जो रोज़ का फार्मूलेशन है वो बताया हुआ, आप चैनल पर जाके सर्च करेंगे तो मैंने रोज़ आपको बताया कि आप किस तरह के, दोस्तों 2-3 मैंने फार्मूलेशन बताया कि रोज़ का परफ्यूम अगरबत्ती परफ्यूम किस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब आज ये बात करते हैं दोस्तों उसको बूस्ट करने के, किस प्रकार से हम बूस्ट कर सकते हैं। मैंने कई बूस्टर भी आपको बताएं और कई फिक्सेटिव भी आपको बताएं। तो आज का जो दोस्तों जो टॉपिक है वह इसी पे होने वाला है। तो दोस्तों जो आज हम केमिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह है LDHC11। जी हाँ, LDHC11। तो ये इस्तेमाल करने से दोस्तों क्या होता है, जो आपका परफ्यूम है काफ़ी हद तक दोस्तों बूस्ट हो जाता है। अब जो बहुत से दो मेरे व्यूअर हैं इसी वीडियो को यहीं पे स्किप करके भाग जाएंगे, तो मैं उनको बता दूं दोस्तों वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो अब जो LDHC11 है, तो दोस्तों इसके भी दो टाइप होते हैं। तो जी हाँ, आपने ठीक सुना, इसके दो टाइप होते हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं, बस लोग जानते हैं कि LDHC11 डालने से रोज़ का परफ्यूम बूस्ट हो जाता है, पर दोस्तों मैंने आपको बताया इसके भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक पहला होता है डाइसाइक्लिक और दूसरा होता है दोस्तों साइक्लिक। मैं आपको सामने, अगर प्रोनाउंसिएशन में आपको समझ में नहीं आता है तो मैं सामने दोस्तों यहाँ पर टाइप लगा दूंगा, सब टाइटल लगा दूंगा। तो दोस्तों दो तरह का होता है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के कंपेरिजन में बात करूँ दोस्तों, तो मैं आप पूरी पूरी डिटेल सामने वाइट स्क्रीन लगा के दिखा दूंगा आपको कंपेरिजन दोस्तों, तो आप ईजिली इसमें जो डिफ्रेंशिएट है वो कर पाएंगे। तो पहला मैं बता दूँ मोटा मोटा कि जो पहला वाला होता है यानी वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उससे सस्ता होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो देखिए सस्ता और महंगा की फ्लोरिंग के ऊपर दोस्तों जो इनकी कॉस्ट है वो आती है, यानी जो महंगा वाला होता है दोस्तों उसकी फ्लोरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, और सस्ता होता है दोस्तों उसकी फ्लोरिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो बहुत से जो केमिकल जो जो मतलब परफ्यूम बनाने वाले वो क्या करते हैं दोस्तों, सस्ता वाला इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनको पता ही नहीं रहता। आप मार्केट में जाएंगे तो आप मांगेंगे भाई LDHC11 चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, लोग क्या दे देते हैं भाई उनको, जब तक पता नहीं रहता कि LDHC11 चाहिए तो उसमें कौन सा जो टाइप है, ठीक है, वो चाहिए। तो अगर आप दोस्तों आपको पता होगा कि यानी कौन सा जो टाइप करने से टाइप अगर आप परफ्यूम में ऐड करेंगे, ठीक है, LDHC11 का, तो उससे परफ्यूम में आपका काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिंग हो जाता है। तो मैंने बताया दोस्तों डिफरेंस पहला तो यही है कि जो इनके नाम में दोस्तों डिफरेंस है। दूसरा मैंने बताया आपको कि ये जो कीमत में, यानी कीमत में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है, लगभग मैं कहूँ 1.5 गुने का या फिर 2 गुने का भी कभी कभी डिफरेंस इसमें देखने को मिल जाता है दोनों की कीमतों में। दूसरा क्या है कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि इसकी जो क्वान्टिटी है, ठीक है, क्वान्टिटी दोस्तों अलग अलग उसमें सेट होती है, यानी आप लगभग अगर आपको जो ये जो महंगा वाला है लगभग इसकी आधी क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, लगभग जो ये सस्ता वाला है इसके लगभग डबल क्वांटिटी आपको दोस्तों फ्लोरिंग करने के लिए आपको डालनी पड़ेगी, यानी परफ्यूम अगर आपको फ्लोरिंग करना है। तो दोस्तों दोनों की अपीरियंस मैंने बताऊँगा, अगर दोनों की अपीरियंस लगभग एक जैसी ही होती है, ठीक है, और फ्लोरिंग दोनों ही होते हैं, बस डिफरेंस मैंने आपको बताया एक अगर मैं एक हम कभी सीखते थे बचपन में इंग्लिश में कि बेस्ट और बेटर, ठीक है, तो एक तरह से बेस्ट और बेटर में दोस्तों बेस्ट जो है वो महंगा वाला होता है, ठीक है। तो आप इस्तेमाल करिए, मैंने आपको दोनों डिफरेंस बता दिया LDHC11 के, ठीक है। अगर मैं परफ्यूम की बूस्टिंग के बारे में बात करूँ, यानी जो हम परफ्यूम में बूस्ट करने के लगभग कितना डाल सकते हैं दोस्तों, 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक
ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, यानी आपको पहले आप थोड़ा सा डाल के देखिए, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो उसको फर्दर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप दोस्तों डाल के देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी भी डाल के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी, यानी जो LDHC 11 के बारे में और इसके जो दोस्तों टाइप होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। हाँ दोस्तों, जो एक हमारा जो ट्रेनिंग सेशन रहता है, यानी हर महीने की 25 तारीख को रहता है धूप बत्ती अगरबत्ती का, दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको दोस्तों व्हाट्सएप नंबर एक स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो आप दोस्तों व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी वगैरह ले सकते हैं ट्रेनिंग की, यानी सामरानी कप की ट्रेनिंग और जो धूप कौन की ट्रेनिंग दोस्तों आपको दी जाती है। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।